नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है समस्याओं से भरा जीवन। सदानंद नाम का एक साधारण सा आदमी था। वो भगवान की सच्चे मन से भक्ति करता था। उसका जीवन समस्याओं से भरा हुआ था, इसलिए वह काफ़ी दुखी रहता था। कभी घर में कोई बीमार पड़ जाता, पूरी मेहनत से काम करने के बावजूद नौकरी में सफलता नहीं मिलती, तनख्वाह नहीं बढ़ती, ऐसी छोटी मोटी कई समस्याएं उसके जीवन में चलती रहती थी। सदानंद अक्सर ये सोचता था कि वह तो किसी भी तरह का गलत काम नहीं करता, फिर भी उसके जीवन में इतने दुख कष्ट क्यों हैं। ऊपर से वह भगवान की इतनी भक्ति करता है, तो फिर भी भगवान क्यों उसे अच्छा जीवन नहीं देते। उसे जानने वाले लोग भी उसे प्रोत्साहित करते थे और कहते थे कि तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा, तुम भगवान की इतनी भक्ति जो करते हो। एक दिन सदानंद का काम पर अपने बॉस से काफ़ी झगड़ा हो गया, जिसके चलते उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उस दिन सदानंद बड़ा दुखी मन से घर आया और भगवान के सामने बैठकर पूजा पाठ करने लगा और भगवान से कहने लगा कि भगवान, आज कुछ भी हो जाए, आप मेरे सपने में आओगे और मुझसे बात करोगे। भगवान अपने भक्तों की बात जरूर सुनते हैं, और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात को जब सदानंद सो रहा था, तो उसके सपने में भगवान आए। भगवान को अपने पास पाकर सदानंद ने अपना मन भगवान के सामने हल्का करना शुरू कर दिया। वह अपनी समस्याओं के बारे में बोलता ही गया। जब उसने अपने मन के सारे विचार भगवान के आगे निकाल दिए, तब भगवान ने उससे कहा, बताओ तुम क्या चाहते हो। सदानंद बोला, भगवान जी, मैं आपका भक्त हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। मैं देखता हूँ कि जो गलत काम करते हैं, सही राह पर नहीं चलते, वह बड़े मौज और शौक से जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसा क्यों। भगवान ने सदानंद से कहा, यह सब एक चक्र है जो कई जन्मों के पाप पुण्य के हिसाब से चलता है। सबको अपने अपने हिस्सों के कष्ट भोगने पड़ते हैं, फिर भी तुम मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम सुबह जब उठोगे, तो तुम्हारे घर से 10 किलोमीटर दूर एक पुराना मंदिर है, वहाँ एक बरगद का पेड़ है। वहाँ पर तुम अपनी सारी समस्याएं एक चिट्ठी में लिखकर चिट्ठी उस बरगद के पेड़ के पास रख कर आना, और तुम्हारी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, तुम्हें उस चिट्ठी के बदले में किसी और के द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी उठाकर लानी होगी, और उस चिट्ठी में जो लिखा है वह तुम्हारे साथ होने लगेगा। सदानंद बहुत खुश हुआ और भगवान का धन्यवाद दिया। सदानंद जब सवेरे उठा, उसने सपने की सारी बातें याद थी। वह तुरंत नहा धोकर पुराने मंदिर के पास वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। उसने अपनी सारी समस्या एक चिट्ठी में घर से ही लिखकर रख ली थी। उसने वह चिट्ठी बरगद के पेड़ के पास रखी और जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद सदानंद को याद आया कि भगवान ने एक शर्त रखी थी कि उसे उसकी चिट्ठी रखकर किसी और की एक चिट्ठी अपने हाथ में लेकर जानी है। सदानंद उस पेड़ के पास वापस पहुँचा और उसने वहाँ पर ढेर सारी चिट्ठियाँ पड़ी हुई पाई। उसने एक चिट्ठी उठाई, लेकिन उसके खोलने से पहले उसे एक विचार आया कि अगर इसमें मेरी समस्याओं से बड़ी समस्या लिखी होगी, तो यह अच्छा नहीं होगा। उसने उस चिट्ठी को वापस रख दिया और दूसरी चिट्ठी उठाई। फिर उसे विचार आया कि हो सकता है इसमें कुछ बहुत बुरा लिखा हो, शायद इसमें लिखा हो कि उसका परिवार के किसी सदस्य को बीमारी हो, या मरने वाला हो, या कुछ और इससे भी बुरा हो। उसने एक के बाद एक कई चिट्ठियां बदली, लेकिन हर बार किसी चिट्ठी को खोलकर पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा कि इन चिट्ठियों की समस्याओं को अपनाने से अच्छा है कि मैं अपनी ही समस्याओं से लड़कर उसका सामना करूं। सदानंद ने अपनी लिखी हुई चिट्ठी को उठाई और वहाँ से अपने घर लौट आया। दोस्तों, कई बार जीवन में समस्याएँ आती हैं, लेकिन उन समस्याओं से भागकर कभी उन समस्याओं को ख़त्म नहीं किया जा सकता। उन्हें ख़त्म किया जा सकता है उनका सामना करके। दूसरों के जीवन से तुलना करके दुखी होने से अच्छा है कि हम अपने जीवन की प्रॉब्लम को अच्छे से समझें, उनके मूल कारण तक पहुँचें और उनसे छुटकारा पाएं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।